पुनरावर्तन एक। प्रश्न एक, नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए। बच्चों, इस तरह का प्रश्न हमने आगे भी किया है, तो यह प्रश्न करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले पाँच, छः, नौ, ग्यारह, बारह, तेरह, पंद्रह, सत्रह, अठारह, उन्नीस। प्रश्न दो, वर्णों को पढ़िए और लिखिए। बच्चों, यह प्रश्न आपको अपनी किताब में लिखना है। सबसे पहले आपको वर्णों को पढ़ना है और उसके बाजू में जो जगह दी गई है उसमें आपको लिखना है। तो सबसे पहले क, फ, प, य, ख, च, ज, ज, त, ध, ब, ल, म, भ, ग, द, ध, क्ष। प्रश्न तीन, अ, चित्र देखकर शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर बारी बारी से चित्र आएंगे। आप सबको उस चित्र को पहचानना है और उसका नाम बोलना है। जैसे ही आप उसका नाम बोलेंगे तो स्क्रीन पे उसका नाम आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तोता, खरगोश, कबूतर, कौवा, फूलगोभी, कछुआ, गिलहरी, आम, पपीता। प्रश्न तीन, ब, उपर्युक्त चित्रों को देखकर पांच वाक्य बनाइए। बच्चों, अभी अभी जो हमने चित्र देखे हैं, आपको उनमें से किन्हीं पांच चित्रों को पसंद करना है और उसके आधारित वाक्य बनाने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम गिलहरी, उसको पसंद करते हैं, तो उसका वाक्य हम इस तरह से कुछ बनाएंगे कि गिलहरी पेड़ पर रहती है। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप सब भी कर सकते हो, ठीक है? हम दूसरा चित्र लेते हैं, आम। तो आम मुझे बहुत पसंद है। बच्चों, इस तरह के वाक्य आपको बनाने हैं और अपनी किताब में लिखने हैं। प्रश्न चार, अ,
नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। बच्चों, सबसे पहले हमें जो वर्ण दिया गया है उसके आधारित ही हमें एक शब्द बनाना है, जिसकी शुरुआत क से ही होगी। तो यहाँ स्क्रीन पे हम देख लेते हैं। देखने के बाद आपको भी इस तरह से करना है। सबसे पहले क, तो क से कमल, कछुआ, कबूतर, कौवा, इस तरह के शब्द आपको बनाने हैं और लिखने हैं। उसी तरह से हम दूसरा लेंगे म, तो म से मकान, मगर, मछली, माली। उसके आगे प, प से पतंग, पानी, पपीता, पढ़ना। और आखिर में र, र से रस्सी, रथ, रमत और रोती। प्रश्न चार ब, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरणों के अनुसार लिखिए। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है, जैसे कि राजा, तो राजा की होती है रानी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। शिक्षक, शिक्षिका, बंदर, बंदरिया, मोर, धेल, माता, पिता, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, तितली, तितलिया, मछली, मछलिया। समझिए खंदस लेखन। बच्चों, ये खंदस लेखन क्या होता है, तो अभी आपको मालूम हो जाएगा। आपको जो इस स्क्रीन पे व्यंजन दिखाई दे रहे हैं वो पूरे पूरे हैं, ठीक है, यानी कहीं से भी खंडस नहीं है, कहीं से भी टूटे हुए नहीं हैं। लेकिन आपको अपनी किताब में वो व्यंजन कहीं से भी टूटे फूटे दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, उस व्यंजन को पूरा ड्रॉ करना है आपकी किताब में। तो जो वहाँ से जो खंडित हो गया है तो उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उसको खंडस लेखन बोलते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले प, तो देखिए आपको पहला प आधा, उसके बाद में आधा आधा और आखिर में तो आपको दिया भी नहीं है, तो जहाँ पे भी हमें खंडस दिख रहा है वहाँ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर बाद में फ, फ को भी इसी तरह से दिया गया है, जहाँ पे भी कंप्लीट नहीं है वहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से दोनों खंडस लेखन पेज नंबर 22 और 23 आपको अपनी किताब में करना है। अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ने में व्यस्त रहो। अलविदा बच्चों।